हेलो दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना में सब कुछ आपका सही है, फिर भी अगर 18वां किस्त का 2000 रुपए आपके खाते में नहीं आए हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाला हूं कि क्यों आपके खाते में पैसे नहीं आए हैं और आपको क्या करना चाहिए जिससे कि आपको पैसा जल्दी मिल जाएगा। अगर आपको पैसा नहीं मिला तो हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में डिटेल से मैंने जानकारी दिया है। इसलिए अगर आपको भी 2000 रुपए का किस्त 18वां किस्त नहीं मिला है तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, साथ में अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। क्या पता उनको उनके खाते में भी पैसे नहीं आए होंगे, उनको भी बता दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पीएम किसान के वेबसाइट पे आ जाना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूँ। यहाँ पे आने के बाद नो योर स्टेटस का एक कॉलम दिया जाता है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। स्टेटस देखने के लिए आप लोगों को रजिस्ट्रेशन नंबर देना होता है, गेट ओटीपी पे क्लिक करना होता है, लेकिन बहुत सारे किसान भाइयों के पास अपना रजिस्ट्रेशन नंबर ही नहीं होता है, तो नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर का एक ऑप्शन दिया जाता है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप बहुत ही आसानी से रजिस्ट्रेशन नंबर निकाल पाएंगे। मोबाइल नंबर या फिर आधार कार्ड का इस्तेमाल करके आप इजीली निकाल पाएंगे रजिस्ट्रेशन नंबर। हालांकि मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना दिया है, जाके देख लीजिएगा। जब आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाए तो रजिस्ट्रेशन नंबर देंगे यहाँ पे और कैप्चा फिल करेंगे, एक ओटीपी आएगा उसको दे देंगे और हमारा जो है अकाउंट लॉग इन हो जाएगा। ऊपर में आपको अपना पर्सनल डिटेल देखने को मिलता है। नीचे आएंगे दोस्तों, तो नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी स्टेटस का ऑप्शन देखने को मिलेगा कि आप एलिजिबल हैं या कोई दिक्कत है। तो सबसे पहले तो लैंड सीडिंग आपका यस होना चाहिए। यहाँ देख लीजिएगा कि लैंड सीडिंग अगर यस है तो पैसा डेफिनेटली मिलेगा। यहाँ पे सेकंड जो ऑप्शन चेक करना है दोस्तों, ई केवाईसी स्टेटस आपको चेक करना है, यहाँ पे भी यस होना चाहिए। अगर आपने ई केवाईसी नहीं कराया था तो पैसा नहीं मिलेगा। बहुत सारे किसान भाइयों ने ई केवाईसी अभी तक नहीं कराया, वो एलिजिबल ही नहीं है, तो ई केवाईसी कराना मैंडेटरी है, करा लीजिएगा जिनका यहाँ पे नो है। उसके बाद यहाँ पे आना है आधार बैंक सीडिंग स्टेटस क्या आपका, यानी कि आपका जो डीबीटी के माध्यम से जब भी पैसा आपको सरकार की तरफ से आता है, चाहे किसी भी योजना का हो, तो वो पैसा आपके डीबीटी के माध्यम से आता है, डायरेक्टली आपके आधार कार्ड में पैसा आता है, ना कि अकाउंट में। वहां पे बस आपका आधार कार्ड के माध्यम से पैसा भेज दिया जाता है। अब आधार कार्ड से जो बैंक अकाउंट लिंक है उस पे पैसा जाना है, लेकिन अगर आपने अपने आधार कार्ड से बैंक अकाउंट लिंक ही नहीं कराया है, या फिर जो अकाउंट आधार कार्ड से आपका लिंक है वो आप अभी यूज नहीं कर रहे हैं, उसमें कुछ केवाईसी का इशू है, तो पैसा कैसे घुसेगा उस पे? तो वहां पे तो क्या होगा कि आप इंतजार ही करते रहेंगे और पैसा आपका आएगा नहीं। तो जरूर एक बार चेक करा लीजिएगा कि आपका जो आधार कार्ड है उस पे कौन सा बैंक अकाउंट लिंक है। अगर जो बैंक अकाउंट लिंक है वहां पे वो आप यूज कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, इस पे भी ध्यान दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं इसके नीचे। नीचे आएंगे दोस्तों, तो नीचे आने के बाद यहाँ पे मिलेगा आप लोगों को कि इस बार का जो किस्त है उसका स्टेटस क्या है। जैसे मान लेते हैं आप जो 17वां किस्त अगर आपको मिला है उसका आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि एफटीओ प्रोसेस हो चुका है, सारा ओके हो चुका है, 2000 रुपए का किस्त आप लोगों को यहाँ पे जून के महीने में मिल चुका है, ठीक है, जून जुलाई के महीने में जो मिला था 17वां किस्त, अगर वो पैसा आपको मिला है तो डेफिनेटली आपको ये पैसा मिल जाएगा। थोड़ा सा इंतजार करिए, कोई दिक्कत नहीं है। मान लेते हैं दोस्तों कि आपका जो ये 18वां किस्त है यहाँ पे जब चेक करेंगे तो एफटीओ प्रोसेस अगर यस हो चुका है, इसको कहा जाता है फंड ट्रांसफर ऑर्डर, अगर ये यहां पे ग्रीन टिक हो गया है तो आपको चिंता नहीं करना, पैसा आपको अकाउंट में आ ही जाएगा। एक दो दिन टाइम लगेगा लेकिन आ जाएगा, ठीक है। वहां पे एक बार में पैसा 10 करोड़ किसान भाइयों के खाते में भेजा जाता है, तो जरूरी नहीं है कि एक बार बटन दबाया सभी के खाते में पैसा आ जाए, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है, घबराने वाली बात नहीं है। अगर आपको पुराना किस्त का पैसा सब कुछ मिला है, आपका बैंक अकाउंट सही से रन हो रहा है, तो डेफिनेटली इस बार वाला भी पैसा आपको मिल जाएगा। तो गाइस, यहां से आप लोगों को पता चल गया होगा कि अगर आपको 18वां किस्त का 2000 रुपए का किस्त नहीं मिला है तो आपको क्या करना होगा। जो जो मैंने तरीका बताया अगर वो सही है, जो जो मैंने आपको चेक करने के लिए बताया कि यहां से आप कैसे चेक करेंगे, अगर सब कुछ सही है दोस्तों तो डेफिनेटली आपको पैसा आ जाएगा। एक दो दिन वेट कर लीजिएगा, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम है तो उसे सुधार करा लीजिएगा, लेकिन रुकेगा पैसा नहीं। हो सकता है अगर इस बार ना आए तो अगले बार जब आपका सारा सही हो जाएगा डिटेल, तो अगले बार दोनों का किस्त मिला के भेज दिया जाएगा, घबराने वाली बात नहीं है। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।